खाली हो चुका है। ये उनका एजेंडा है और वो लोग ये काम करते रहेंगे। वो उस समय जब सिंगू बॉर्डर पे पूरा पंडाल भरा हुआ होता है, फिर भी किसी ना किसी कोने में टेंट में जाके, जब लोग अपने टेंट से निकल के मेन पंडाल में जाके बैठेंगे बात सुनने के लिए, तो ऑब्वियसली टेंट खाली होगा। और आप लोगों ने कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा जो सिंगू बॉर्डर पे हुआ, किस तरीके से वहाँ पे एक माने अखौती गोदी मीडिया के चैनल्स के द्वारा वो लोग आपस में उस पर व्हाट्सएप पे बात करते थे कि कांड कर दिया जाए, अगर मौका है तो कांड कर दो, ये सारी बातें किस तरीके कैसे अब मीडिया में आई है। और वो लोग जिनका काम है इस आंदोलन को ठेस पहुंचाना, जिनको मतलब सिर्फ अपने अपने चैनल की टीआरपी से है, लोग भूखे मरते हैं तो मर जाएं, वो अपना काम करेंगे। लेकिन बहुत सारे चैनल, मैं कहता हूं जब लोग गोदी मीडिया की बात करते हैं तो वो चैनल्स भी कहीं ना कहीं छिप जाते हैं जो इस आंदोलन की असली आवाज़ है। उनके सब्सक्राइबर कम हो सकते हैं, उनकी आवाज़ कम लोगों तक जाती हो सकती है, पर हर बॉर्डर पे ऐसे बहुत सारे सज्जन हैं मीडिया के जो लगातार इस आंदोलन की आवाज़ बन के इस आंदोलन के विजयी होने तक इस आंदोलन को कवर करने का वादा करते हैं हर रोज, और लगातार सही रिपोर्ट है जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको दिखाने का काम करते हैं। हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए आंदोलन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि सरकार की नीतियां लोगों के विरुद्ध है। अगर सरकार लोगों के पक्ष में काम करती होती तो आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये काले कानून आए, अब तो देखिए खाली पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने की बात हो रही है। आप जानिए पेट्रोल और डीजल चार दिन आप नहीं यूज करिएगा तो लोग मरेंगे नहीं, लेकिन अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो खाने तक के लिए अनाज नहीं मिलेगा, और अनाज नहीं मिलेगा तो एक दिन में मरने वाला काम इस देश में लाखों लोगों का होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि देश की सरकार की नीतियां प्रो कॉरपोरेट्स है, और वो चाहते हैं कि अदानी और अंबानियों के महल और ऊंचे चलते जाए और गरीबी और गुर्बत में रहने वाले लोगों के घरों में खड्डे पड़ जाए। हम चाहते हैं कि उन पहाड़ों को समतल करके उन खड्डों को भरा जाए ताकि इस देश में कोई गरीब अमीर ना हो। उसका असर इस देश की सरकार के टेबल पे पहुंच चुका है, क्योंकि साउथ से लेके एक्सट्रीम नॉर्थ तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हर जगह लोगों ने ये देश की सरकार को दिखा दिया कि ये सरकार खाली हरियाणा और पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का और जन जन का आंदोलन है। बहुत सारी रेलवे की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से तमिलनाडु, केरला और साउथ के लोग दिल्ली नहीं आ सकते थे। आज का रेल रोको आंदोलन में जितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, वो क्लियर कट मैसेज इस देश की सरकार के सामने है कि आप इस बात के भ्रम में नहीं रहिए कि खाली यूपी, राजस्थान या हरियाणा और पंजाब का आंदोलन है। आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगा तो पूरा देश इकट्ठा होकर दिल्ली की सरहदों पर आएगा, और दिल्ली की पार्लियामेंट में मार्च करना पड़ा तो वो भी किया जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। देखिए अगर बादाम इन किसानों की तरह बादाम खाए होते तो बुद्धि काम करती, जिसने गोबर खाया है उसकी बुद्धि इतनी ही चल सकती है। इसी वजह से जिन लोगों को ये नहीं पता चलता कि पेट्रोल का दाम बढ़ने से, गेहूं का दाम बढ़ने से, खाने वाली चीज़ों का दाम बढ़ने से अपनी जेब से पैसा जाता है, उन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हो। और जिनका बात करते हुए आप शुरू में बोलते हैं कि जो मोदी भक्त ऐसा कहते हैं, तो फिर भक्तों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन इस देश के सुहृद लोगों के बारे में बात करिए, जिन लोगों को इस महंगाई से फ़र्क पड़ता है, जिन उन माओं को जो घर का चूल्हा तपाते समय हर रोज़ ये महसूस करती है कि देश की पार्लियामेंट में बैठ के किया गया एक ऑर्डर घर की रसोई को, उस चूल्हे को हर रोज हिला के रख देता है, इस महंगाई की मार आप उन लोगों से पूछिएगा तो पता चलेगा। क्योंकि इस देश की सरकार ने लगातार इस देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद किया, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपके लिए सवाल करने का, राजनीति सीखने का बात करते हैं, उनको अटैक क्यों किया बीजेपी की सरकार ने? इसी वजह से, ताकि लोगों को जो बात दी जाए उसको धनाधन वो चलाते जाएं, उसी के बारे में बात करते जाएं, लेकिन सवाल ना पूछे। लेकिन हमारा नौजवान पीढ़ी का काम क्या होना चाहिए? हम क्यों कहते हैं कि सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए, ताकि लोग सवाल करने की बात कर सके और उनको पता चले कि देश की सरकार, डेमोक्रेसी में सवाल पूछना आपका पहला धर्म भी है और फर्ज भी है। और गोदी माने जो भक्त बने हुए लोग
लोग हैं उनसे मेरी अपील है कि थोड़ा सा पढ़ने लिखने का काम करें, वो लोग भी सवाल पूछना शुरू करेंगे, वो लोग भी जानेंगे कि बीजेपी के प्रोपेगंडे से पेट नहीं भर सकता, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई से पेट नहीं भर सकता, पेट भरने के लिए अनाज चाहिए और उसी अनाज को बचाने के लिए देश का किसान 6 महीने से आंदोलन में है और 2.5 महीने से ज्यादा उसे देश की राजधानी के बॉर्डर पे बैठे हुए हो गया है और आप भी रोजगार और सरकारी नौकरियों की तलाश में होंगे, लेकिन जिस तरह से देखिए सरकार अलग अलग तरीके से अलग अलग टूल्स ला के लगातार है जो पब्लिक सेक्टर को खत्म करने का सरकार ने काम किया। हम लोग जब रोजगार की बात करते हैं तो हम ये भी बात करते हैं कि इस देश का एयर इंडिया हो, इस देश का रेलवे हो, ट्रांसपोर्ट हो, सरकारी स्कूल हो, अस्पताल हो, उसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, सरकारी क्षेत्र नहीं रहेगा, तो सरकारी क्षेत्र की नौकरियां भी नहीं रहेंगी। इसी वजह से ये कभी मेक इन इंडिया बोलते हैं, कभी मेड इन इंडिया बोलते हैं, कभी किसी तरीके का शगुफा छोड़ते हैं। ये सारी की सारी बातों का कोई मतलब नहीं बनता अगर आप देश के लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। और रोजगार देने के लिए देश की पार्लियामेंट भगत सिंह के नाम से जिस कानून की हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि भगत सिंह के नाम से भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम बनेगा बोलते हैं, जिसके बारे में लॉकडाउन से पहले सीपीआई के राज्यसभा मेंबर हैं जो केरला से, उन्होंने प्राइवेट रेजोल्यूशन मूव किया और बीजेपी के किसी आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी उस रेजोल्यूशन के विरोध में बोलने की। तो वो कानून भी पास होना चाहिए और ये कानूनों को वापस भी किया जाना चाहिए। यही इस देश के युवा की जो मांग है। देखिए पहली बार है बीजेपी के 7 साल के शासन में कि बीजेपी की कैंडिडेट पंजाब में जिसको मात्र 7 और 8 वोट मिला वो खुद कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ है। मतलब जब आप पे पड़ी तो अब ईवीएम में गड़बड़ है, और जब पूरा देश कहता था कि देश की सरकार कलाकारी करती है वोटों में और इसी तरीके से अपनी सरकार बनाती है, तो आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए पंजाब से सुपड़ा साफ हुआ उनका, पूरे देश में होगा, और इससे बड़ा क्या होगा कि पूरा यूपी उठ के खड़ा हो जाए इस आंदोलन के लिए, जिस यूपी के दम पे ये बच्चियों के बलात्कार करवा के भी बच के निकल जाते हैं, उसी यूपी के लोगों ने कहा कि ऐसी राजनीति नहीं चलेगी इस देश में। भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां जैसी राजनीति चाहते थे वैसी राजनीति चलेगी, जैसी गौतम बुद्ध चाहते थे और बाबा नानक चाहते थे वैसी राजनीति चलेगी। तो वही लोग उस क्रांतिकारी विरासत को जारी रखते हुए, उसको याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी का ये पूरे का पूरा माया जाल बहुत देर तक अब चलेगा नहीं। क्या मानते हो कि पंजाब में जो भी रिजल्ट आया बीजेपी का सुपड़ा साथ वहीं पर जो आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, क्या भी मानते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है? देखिए अगर आप बोल भी दीजिए कि ये जो जिस स्टेटमेंट की मैंने पहले बात की ईवीएम में गड़बड़ी है, तो बीजेपी खुद चेक करे ना, उनकी सरकार है, जब देश भर का सिस्टम आपके हाथ में है, अब मौका है उनके पास ये साबित करने का कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। वो कहते रहे ना कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, अब जब आपका कैंडिडेट खुद कह रहा है तो आप पूरा निकालिए और निकाल के बोलिए कि गड़बड़ी है या नहीं है। ये लोग थोड़ी बताएंगे, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा, ये पूरा अथॉरिटीज बताएंगी जिनके हाथ से ईवीएम चलती है। देखिए ये आंदोलन के बारे में जब पहले दिन से शुरू हुआ था, इट वॉज अ क्लियर कट इंडिकेशन के 6 महीने कम से कम हम चलाएंगे। 6 महीने के राशन में से 3.5 महीने का राशन और व्यवस्था हमारे पास अभी बाकी है, और जिस तरीके का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिल रहा है, ये आंदोलन 2 साल भी चल जाएगा तो लोग पीछे हटने वाला काम नहीं करेंगे। ये सरकार को समझना है। पंजाबी में हमारे एक कहावत है पंजाब में, जिसको माने हंसी से लोग कहते हैं कि कई बार आप एक डिसीजन को मानने को तैयार नहीं होते तो आपको 100 जुत्ती भी खानी पड़ती है और 100 प्याज भी खाना पड़ता है। अब वो काम देश की सरकार ना करे, अभी 50-50 खाया उन्होंने, 50 जूते भी खाए और 50 प्याज भी खा लिए। अगर 100 का आंकड़ा पार करना है तो वो देख लीजिए, लेकिन लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी प्रचार कर रही है कि हम तो मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर आप संशोधन मानने के लिए कैसे तैयार होगे? अगर देश की सरकार को ये नहीं पता चल रहा कि दाल में कुछ काला है या नहीं, तो फिर वो 9 जो संशोधन माने देश की सरकार ने और लिखित रूप में माने, वो कैसे मान गए? आपने बोल दिया 2 कानून वापस लेंगे, फिर वो कैसे मान गए? सारी की सारी ये झूठ के जाल में फंसाने का काम करते हैं। ये पूरे भरे हुए पंडाल को खाली बोल सकते हैं,
इनके पास कलाकारी है। ये जेएनयू का कोई वीडियो निकाल के उसे डॉक्टर्ड करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के किसी को स्टेशन के केस में फंसा सकते हैं, इनके पास कलाकारी है। लेकिन जो लोग सच के साथ चलते हैं वो ऐसे जादू टोने नहीं करते जो बीजेपी की सरकार जिनके बलबूते पे देश में बनी हुई है। जीत इस देश में सच्चे लोगों की होगी, झूठ नहीं जीतेगा। चल सकता है कुछ दिन लेकिन फाइनल चल नहीं पाएगा। देखिए माने पूरी दुनिया ने समझ लिया, मोदी सरकार के अलावा पूरी दुनिया ने समझ लिया कि ये आंदोलन जन जन के हित में है और ये कानूनों को वापस करने की लड़ाई लड़नी चाहिए। माने ग्रेटा हो चाहे वो रेहाना हो, जिन लोगों ने इस धरती का अनाज नहीं भी खाया उन लोगों को भी समझ है कि ये जायज आंदोलन है और उसको लड़ने की जरूरत है। लेकिन हमारे देश के लोगों को समझ में नहीं आ रही, हमारी सरकार को समझ में नहीं आ रही। और जिन लोगों के एक ट्वीट ने पूरा बॉलीवुड नंगा कर दिया, लोगों ने पहचान लिया कि टूल किट ड्राफ्ट करने वाले लोगों का गुनाह नहीं है, इस देश के उन लोगों का गुनाह है जिन लोगों ने बीजेपी का साथ दिया और जो लोग चाहते हैं कि बीजेपी की नीति इसी तरीके से चलती रहे। और एक टूल किट, एक पैम्फलेट से अगर सरकार इतना डर जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार कितनी कमजोर है। एक ट्वीट करने वाले आदमी को आपको जेल में ढूंसना पड़ता है तो आप जान लीजिए इस देश की सरकार कितनी कमजोर है। जो इस देश में डेमोक्रेसी, जिसको हम ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल कह के बात करते हैं, ये देश फॉर द कॉरपोरेट्स, ऑफ द कॉरपोरेट्स और बाय द कॉरपोरेट्स बन चुका है। इसको तोड़ने में समय लगेगा लेकिन ये आंदोलन जीतेगा जरूर। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में ऐसी बात करते हुए। मैं कहता हूँ ये परजीवी किसको बोलते हैं, आंदोलन जीवी किसको बोलते हैं, आंदोलन करना क्यों पड़ता है? आप सबको रोजगार दे दीजिए, ये जो पूरा एग्रीकल्चर का सेक्टर है ऐसी पॉलिसी बनाइए कि किसान को खुदकुशी नहीं करनी पड़ती हो तो लोग आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन उनको ये भी जानना चाहिए कि अगर भगत सिंह भी इस देश में आंदोलन ना किया होता तो देश आज़ाद नहीं हुआ होता और आप आज तक अंग्रेजों के, ब्रिटिश एम्पायर के जूते चाट रहे होते यहाँ बैठ के। इसी वजह से कहते हैं कि आंदोलन जीवी लोगों की वजह से देश आज़ाद है और ये आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन पैरासाइट की नीति हम बिल्कुल खदेड़ेंगे। ये जो पंजाबी में हम बोलते हैं जिसको अमर वेल, एक वेल होती है जो किसी एक पेड़ पे अपना जाल बिछाती है, उसकी कोई जड़ नहीं होती लेकिन पूरा पेड़ सूख जाता है उसकी वजह से, उसको पैरासाइट बोलते हैं। इस देश का पैरासाइट अदानी और अंबानी है, देशभक्त लोग नहीं है। उन पैरासाइटों को जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा, इन लोगों की पुण्य की कमाई के ऊपर उन पैरासाइट को खत्म करना है। लेकिन आंदोलन जीवी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। थैंक यू।